हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं। और आपको स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट दिख रही होगी जिसमें मैंने HDFC की लास्ट 5 ईयर की मंथली बेसिस पे रिटर्न को प्रिंट कर रखा है। तो अगर मैं इस शीट में आपसे पूछूं कि लास्ट 5 ईयर में HDFC ने किस मंथ में सबसे मैक्सिमम रिटर्न दिया है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आप बता सकते हो लाइक आई थिंक इट्स 12, आई थिंक इट्स 16, ओके 16 इन अप्रैल 2020। और सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछूं कि फॉर मिनिमम रिटर्न किस मंथ में जनरेट किया गया है HDFC के द्वारा, तो इसका भी आंसर आप बता सकते हो। आई थिंक इट्स -11, लेट मी क्रॉस चेक इट, -26, सॉरी, सो मार्च में -26। तो आपने देखा मुझे किस क्वेरी को आंसर करने में मतलब कुछ मिनट्स लगे फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं सेम क्वेरी आपको इस टेबल में पूछूं तो आप थोड़ा जल्दी बता दोगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस मंथ में है। तो वैसे तो हमें पता है ये अप्रैल में है, बट स्टिल आप थोड़ा सा जल्दी आंसर कर पाओगे कि 16.44 इन अप्रैल, -26.27 इन मार्च। और इसको हम और एक लेवल पर एक्सटेंड करें, तो अगर मैं आपको यही सेम क्वेश्चन इस चार्ट में पूछूं तो आई थिंक आप थोड़ा और जल्दी बता पाओगे। और ये चार्ट वैसे थोड़ा देखने में ज़्यादा इंट्रैक्टिव भी है। तो हमने अभी HDFC के लिए इस हीट मैप को जनरेट किया है। अगर आपको किसी और स्क्रिप्ट के लिए जनरेट करना है लाइक एशियन पेंट, अगर मुझे एशियन पेंट की स्क्रिप्ट देखनी है तो मैं आपको एशियन पेंट चेंज करूँगा। और ये स्टार्ट डेट और एंड डेट मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैं वो सिंपल एक डेमो दे रहा हूँ कि इस बंधन की वर्किंग क्या। आपने देखा हमने एशियन पेंट्स के लिए भी एक हीट मैप को जनरेट कर लिया। और यहाँ भी आप देखोगे तो सबसे मैक्सिमम रिटर्न आई थिंक 14.60 एंड मिनिमम इज आई थिंक इट्स -8। और सेम थिंग आप यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आपको इधर मिल जाएगा सेम कंक्लूजन, 17 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज -8.2। तो अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम आज करने के वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही हीट मैप को क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें आप सिंबल और इसमें आपको सिंबल एंटर करने हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे आपको ये हीट मैप जनरेट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कोडिंग। और आज की कोडिंग थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है और मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स मूव टू आवर कोडिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कोड हमें आज कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो लाइब्रेरीज़ हैं, तो हमें बेसिकली 5 लाइब्रेरी चाहिए, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborg और NSCPy। और इन लाइब्रेरी की मीनिंग क्या मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो NSCPy हमें चाहिए बेसिकली NSC से डेटा को पुल करने के लिए, और Matplot एंड Seaborg चाहिए हमें हीट मैप को प्लॉट करने के लिए, और पांडा और NumPy तो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड डेटा फ्रेम के लिए। और ये तो हम प्रीवियस वीडियो से भी यूज करते आ रहे हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो हमें ये टोटल 5 लाइब्रेरीज़ की यूज होने वाली है आज। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो आपको आई थिंक Matplotlib एंड Seaborg NSCPy इन तीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक आपने पांडा और NumPy तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी होगी। बट अगर आप Anaconda यूज कर रहे हो, बेसिकली आई ऑल्सो यूज Anaconda, तो आपको इनमें से केवल NSCPy को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, बाकी की सारी लाइब्रेरीज Anaconda में इनबिल्ट होती हैं। दैट्स वाई आई यूज Anaconda, क्योंकि Anaconda में मोस्टली नाम की लाइब्रेरी जो भी हमारी इसेंशियल लाइब्रेरी हैं इनबिल्ट होती हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर आपने अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम पे, तो डोंट इंस्टॉल पाइथन, जस्ट गो फॉर Anaconda। And if you don't know how to install Anaconda, I recommend you video. You can go on YouTube and search simply Anaconda installation window 10.
सो यू कैन वॉच दिस वीडियो और इस वीडियो में इस बंदे ने बहुत ही सही समझाया है कि कैसे एनाकोंडा को अपने विंडो पे इंस्टॉल कर दो। अब इस वीडियो के थ्रू अपने सिस्टम पे एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हो। और एनाकोंडा मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो उसमें आपको इनबिल्ड 645 राइट नाउ लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ तो आपको नमपाई, यू कैन सी हियर नमपाई, नमपाई ऑलरेडी इसमें है। अगर मैं अभी मैटप्लॉटलिब हियर, द मैटप्लॉटलिब आल्सो हियर, और सीबोर इज आल्सो देयर, एंड मे बी यू आर यूजिंग फ्लास्क फिलॉसफी। तो बेसिकली जितनी भी हमारी काम की लाइब्रेरीज हैं वो ऑलरेडी एनाकोंडा में हमें मिल जाती है। इसीलिए मैं एनाकोंडा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक बार आप इंस्टॉल कर लो तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाइब्रेरीज की इंस्टॉल करने की। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लाइक कि आज की वीडियो में हमें एन एस सी पाई नेम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, जो कि मैं। और ये लाइब्रेरी आपको कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये NSCPI की डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है NSC से हिस्टोरिकल डेटा को पुल करने के लिए। तो आप जाके इसे इस वेबसाइट पे NSCPI.xyz पे विजिट करके आप इसके मेथड्स एंड एवरीथिंग जो भी इसके फीचर्स हैं आप देख सकते हो। राइट नाउ हमें सिंपल इन्हें इंस्टॉल करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पाइथन या एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है। अगर एनाकोंडा कर रखी है तो फिर तो आपको NSCPI इंस्टॉल करना है केवल, और अगर आप पाइथन पे हो तो आई थिंक आपको अब मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने एक ऑलरेडी कमांड यहाँ पे लिख रखी है। तो फर्स्टली अगर आप पाइथन यूज़ करते हो आपको सिंपल जाना है एंड टाइप पाइथन एंड यू विल गेट यू सी पाइथन आइडियली टर्मिनल हियर। मेरे पास इंस्टॉल नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड जस्ट सिंपली क्लिक देयर एंड रन ऑल दिस 4 कमांड्स और आपके सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगे। और एनाकोंडा में तो आपको पता ही हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक ही लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, वो NSCPI। सिंपली गो एनाकोंडा पावर सेल प्रॉम्प्ट, इट्स ओपन, जस्ट टाइप। यहाँ पे दो तरीके हैं, पहला है या तो कोंडा इंस्टॉल NSCPI कर लो फर्स्ट आइदर, एंड आल्सो यू कैन गो पिप इंस्टॉल NSCPI। इफ यू रन दिस थिंग, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आप में नहीं होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, फाइन। तो अब हमें ये 5 लाइब्रेरी चाहिए और ये आज कैसे इंस्टॉल करनी है, कहाँ में और किस प्लेटफॉर्म पे कैसे करनी है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और हम चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। और कोडिंग पे चलने से पहले जैसे आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो सिंपली क्लिक हियर एंड टाइप जुपिटर नोटबुक और आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के आइकन मिल जाएंगे। और जैसे आप इसे क्लिक करोगे, ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है, लेट मी क्लोज माई वन, जस्ट क्लोज इट, आई विल शो यू हाउ इट्स ओपन। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा जस्ट टाइप हियर जुपिटर नोटबुक एंड यू गेट दिस आइकन, क्लिक हियर एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन योर क्रोम ब्राउजर एंड या दिस वन। और यहाँ पे आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। और यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है न्यू एंड सेलेक्ट पाइथन 3 एंड नई फाइल ओपन हो गई। और यहीं से मैं अब कोडिंग करेंगे, लाइक जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इस प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करना। बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्टार्ट से बताओ कैसे एडिटर को ओपन करना है, कैसे कोड को टाइप करना है, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस थिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग। अभी तक हमने अपनी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है और समझ गए कि कौन सी लाइब्रेरी की क्या यूज पड़ने वाली है। Just import all these libraries and click run. अगर आपने किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि everything is fine till. सबसे पहले हम NSCPI लाइब्रेरी के मेथड को देख लेते हैं, हमें किस मेथड का यूज करना है। अपने यूज करना है गेट हिस्ट्री। गेट हिस्ट्री में 3 पैरामीटर्स हैं, पहला सिंबल स्टार्ट एंड एंड। अगर आपको जिस डेट की चाहिए 2015 आओ 1st जनवरी से लेकर 2050 के 10th जनवरी तक की डेटा चाहिए तो आपको ये 3 पैरामीटर यहाँ एंटर करने हैं। और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम आज इसी मेथड को यूज़ करने वाले हैं अपने कोड में। तो राइट नाउ जस्ट कॉपी दिस थिंग टाइप हियर SBI एंड आई ऑल्सो रन दिस थिंग। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अपने को करना क्या है।
कैन से यहाँ पे आ गए एसबीआई की डिटेल्स। तो ये तो एसबीआई केवल 5 डिजिट की डिटेल थी। अपने को क्रिएट करना है हीट मैप, और हीट मैप पे अपने को चाहिए यहाँ पे मंथली हमें चाहिए लगभग 5 ईयर्स की डेटा। ओके, तो अपन यहाँ पास करेंगे लाइक अगर मैं 2015 से लेके 2020 तक की डेटा चाहिए, लेट सपोज 2019 तक की, 19, 12 and 31st December एट दिस राइट वट यू विल सी या फाइन। तो हमारी ये पूरी डेटा यहाँ पे आ गई है, और ये कितने रो हैं 1, 2, 3, 4। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब अपने को इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। अगर अपने को मंथली रिटर्न कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें उस मंथ की ओपनिंग प्राइस और उस मंथ की लास्ट क्लोजिंग प्राइस, इन दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। और हमें ओपनिंग प्राइस लेनी है उस महीने की फर्स्ट तारीख को, लाइक अगर जनवरी की बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी की ओपनिंग प्राइस और 31st जनवरी की क्लोजिंग प्राइस, ये दो प्राइस हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी होगी फॉर ईच मंथ ऑफ एवरी ईयर्स। मैं SBI नेम को चेंज करके यहाँ पे इसे हिस्ट डेटा कर देता हूँ, क्योंकि SBI इज वेरी स्पेसिफिक। तो अपन इसे कर देते हैं हिस्ट डेटा, जस्ट रन इट अगेन। अब इस लाइन में मैंने क्या किया है कि मैंने इस पूरे डेटा फ्रेम में यू कैन सी टेबल, इस टेबल मैंने दो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए हैं विच नेम इज मंथ एंड ईयर। अगर वो जनवरी है तो उसके आगे 1 आ जाएगा, फरवरी के आगे 2, मार्च के आगे 3 एंड सो ऑन। रन इट एंड से सी हाउ इट लुक लाइक। ओह दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक हियर। सो यू कैन सी हियर हमारी ये 1st जनवरी की डेटा थी, यहाँ पे ये मंथ के आगे 1 है और ईयर इज 2015। तो हमने दो एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे जनरेट कर दिया। हमने क्यों जनरेट किया है मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने ईच मंथ के करस्पॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट किया हुआ है फॉर January 1, February 2 एंड फॉर December 12 एंड सो। अब मैं इस मंथ और ईयर कॉलम के बेसिस पे इस पूरे टेबल को ग्रुप करने वाला हूँ। ग्रुप का कमांड है के लिए हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपली रन इट एंड आफ्टर ग्रुपिंग मैं ग्रुप में से केवल ओपन प्राइस को यूज करने वाला हूँ। एक्चुअली जस्ट लेट मी रन दिस कोड, यू विल सी व्हाट आई वांट टू डू। जैसे ही इसको मैं रन करूँगा आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिख रहा है कि 2015 के फर्स्ट मंथ मीन्स जनवरी की जो ओपनिंग प्राइस है वो 312 एंड ये है सेकेंड मीन्स फरवरी, तो फरवरी की सेकेंड ओपनिंग प्राइस है 309। तो सिमिलर वे में हर एक ईयर की हर एक मंथ की जो ओपनिंग प्राइस है वो अपने पास यहाँ पे आ गई। यू कैन सी इट्स ऑल फॉर द 2019। तो हमने ओपनिंग प्राइस जनरेट करी, सिमिलरली हम क्लोजिंग प्राइस को भी जनरेट करेंगे। तो अपने को करना कुछ है यहाँ पे सिंपल कॉपी एंड पेस्ट इट, जस्ट नेम चेंज क्लोज प्राइस। और क्लोजिंग प्राइस के लिए हमको इस इंडेक्स को चेंज करना होगा -1 के साथ। वंस यू रन दिस थिंग व्हाट विल सी फाइन। अब क्या हुआ अपने को मिला यहाँ पे, आप देखो अब हमें ये वाला जो कॉलम मिला है, सॉरी ये टेबल जो है, इसमें हमें हर एक साल की हर एक मंथ की क्लोजिंग प्राइस मिली है। सॉरी यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दो, तो हमने क्या किया एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने NSCPI के थ्रू एक स्पेसिफिक डेट रेंज की डेटा को पुल किया, फिर हमने वहाँ पे दो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए मंथ और ईयर के। मंथ मीन्स जनवरी करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, फरवरी करस्पॉन्डिंग 2 एंड सो ऑन, और ईयर द सेम 2015 2019 एंड सो ऑन। आफ्टर देन मैंने ईयर एंड मंथ के बेसिस पे ग्रुपिंग की है यूजिंग दिस लाइन। उसके बाद हमने उसमें से हर एक मंथ की ओपनिंग प्राइस को यहाँ पे निकाल के ओपन प्राइस में असाइन कर लिया है, एंड दैट टेबल लुक लाइक दिस वन, ईयर मंथ एंड ओपन। और सिमिलरली हमने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी निकाल लिया है ईयर। अब हमारे पास ओपन है क्लोज है, अपने को क्या करना है ओपन और क्लोज को
माइनस करके परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, इजी। इसके बाद हमें दोनों टेबल को मर्ज करना होगा, और मर्जिंग के बाद ये टेबल कैसे दिखेगी, पेस्ट, एंड हियर इज आवर टेबल। तो हमने देखा हमारे पास एग्जैक्टली एक टेबल है, अपने को यही चाहिए था ईयर, उस ईयर करस्पॉन्डिंग मंथ, उस मंथ की ओपनिंग प्राइस, उस मंथ की क्लोजिंग प्राइस। आपने को कुछ नहीं करना है, क्लोज माइनस प्राइस, सॉरी क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाई ओपन करके अपने को परसेंटेज भी मिल जाएगी। तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड करेंगे नेम ऑफ परसेंटेज। मैं लाइन बाई लाइन चल रहा हूँ हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया रिटर्न, और रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया मैंने, क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाई ओपन मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड रनिंग एंड हाउस लुक लाइक यू कैन सी ऑलमोस्ट हम पहुँच गए अपने गोल पे। तो हमें ईयर मंथ, मंथ मीन्स सेम जनवरी फरवरी, दिस ओपन दिस इज क्लोज, और ये उस मंथ की रिटर्न आ गई। अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए ईयर मंथ और रिटर्न, अपने को ओपन और क्लोज नहीं चाहिए। हम ओपन क्लोज को फिल्टर आउट कर लेते हैं, राइट, और हमारी डिजायर टेबल अब मिल गई है। नॉट डिजायर्ड, अभी एक स्टेप और बची इस टेबल में। तो अपने को ईयर मिल गया, मंथ मिल गया, और उस मंथ की रिटर्न मिल गई। अब हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। इस टेबल को हमें इस वे में जनरेट करना है। अगर आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर जनरेट किया है, अब देखो यहाँ पर मंथ्स हैं और यहाँ पे ईयर है और यहाँ बीच में रिटर्न है। तो अगर ऑब्जर्व करो यहाँ भी सेम इन्फॉर्मेशन है, ईयर यहाँ पे है, मंथ यहाँ पे है, रिटर्न यहाँ पे है। बेसिकली इन्हीं तीन मतलब ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन सारी सेम ही है, बट रोज और कॉलम डिफरेंट है। तो हमें बेसिकली रोज और कॉलम्स एंड वैल्यूज को चेंज करना है, और ये कैसे करना है अपने को, इसके लिए हम यूज करेंगे पांडा के पिवट मेथड को। तो ये है पिवट मेथड, इसमें आपको इंडेक्स में पास करना है ईयर, कॉलम में पास करना मंथ, और वैल्यू में पास करना रिटर्न। ये बेसिकली कॉलम नेम है इसके। अगर आप यहाँ देखो ये क्या था, मर्ज ईयर मंथ रिटर्न। तो मैंने ईयर को इंडेक्स बना दिया है, मंथ को कॉलम बना दिया है, रिटर्न को वैल्यू बना दिया। सेम थिंग आई टोल्ड यू, सी इंडेक्स इज ईयर, कॉलम इज मंथ, एंड वैल्यू इज रिटर्न, जस्ट ऑलमोस्ट देयर एंड डन। आपने देखा हमने क्रिएट कर लिया, बस यही है। अब इसको थोड़ा सा अपने को कस्टमाइज करना है, थोड़ा सा कलरिंग करनी है इसमें, स्टाइलिंग करनी है, बट ऑलमोस्ट हमने अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 to 12, तो इसको अपन ना मंथ से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे देखने में थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। राइट, अब देखो आप हमें मिल गई जनवरी फरवरी मार्च करस्पॉन्डिंग ईयर्स एंड ईयर इज अ कम्प्लीट रिटर्न। अगर आपको केवल मंथली रिटर्न कैलकुलेट करने हैं तो आप, और आपको हीट मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस स्टेप से भी क्विट कर सकते हो, और आपको करना कुछ नहीं है। अब बस सिंपली इस एक्सेल फाइल को राइट करना है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये बेसिकली इस लोकेशन पर राइट हो जाएगी। रन इट एंड गो टू दैट लोकेशन ये 8 CSV, ओपन इट यह। तो यहाँ पे देखा आपने, हमने सेम डेटा को एक्सेल में भी राइट कर लिया, -1.12 आई थिंक इट्स बी सेम, या फाइन। तो अगर आपको केवल एक्सेल शीट जनरेट करनी है मंथली रिटर्न की, तो आप इससे भी काम चला सकते हो। आपको हीट मैप की जरूरत नहीं है, तो यू कैन जस्ट क्विट दैट कोडिंग पार्ट हियर। हम अभी इसी डेटा फ्रेम को भी थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। तो कस्टमाइजेशन बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि इस जो भी निगेटिव वैल्यूज है उसके बैकग्राउंड को मैं रेड कर दूंगा, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा। लाइक जैसा हमने यहाँ पे देखा था दिस वन, लाइक दिस वन, तो ऐसा हम जनरेट करने वाले हैं इस टाइप की व्यू को, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक मैथड क्रिएट किया हुआ है। आपको इस मेथड को पहले यहाँ पे राइट करके रन करना होगा, एंड देन कलर पॉजिटिव इस मेथड को आपको यहाँ पास करना है। सेट पेज प्रिसीजन मीन्स कि यहाँ पे जो डेसिमल के पॉइंट है वो 2 पे सेट हो जाएंगे, 2 डेसिमल तक, एंड देन रिजल्ट। सो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा आप देखोगे कूल, तो अपने हमारा फर्स्ट स्टेप अचीव हो गया।
तो हमने एक हीट मैप क्रिएट कर लिया, बट इट्स नॉट लाइक हीट मैप, यहाँ पे सिंपल नेगेटिव और ग्रीन सॉरी रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड हुए हैं, हमारा मेन टारगेट तो भी बचा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमने अपने को ये हीट मैप क्रिएट करनी है, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल है तो इसके लिए मैं सिंपली कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप ईच लाइन को गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि कैसे करना है। ओके, तो आई जस्ट सिंपली कॉपी ऑल दिस थिंग पेस्ट हियर। डोंट वरी अबाउट कोड, मैं लास्ट में इस पूरे कोड को दिखाने वाला हूँ। जैसे ही इस कोड को मैं रन करूँगा, स्क्रिप्ट हटा दो अभी फिलहाल के लिए, रन इट, थिंक डन। फाइनली हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ये हमारा हीट मैप है। इसमें क्या चेंजेस करने को बता देता हूँ आपको, ये जो साइज है फिगर की ये आप चेंज कर सकते हो, लाइक इसे विड्थ एंड हाइट, तो इसको आप अगर यहाँ पे 12 है इसको आप 10 कर दो, अगर चेंज इट 8 जस्ट रन। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से, देखा आपने ये साइज थोड़ी सी, ये जो विड्थ है वो कम हो गई है। लेट्स जनरेट फॉर अंदर सिंबल सो यू गेट सम बेटर आइडिया। तो यहाँ पे हमने SBI लिया था, अगर मैं यहाँ पे HDFC कर देता हूँ और हम जनरेट करते हैं एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर की डेटा को 2000 to 2019। आपको क्या करना होगा, फुल एक बार सबको रन करना होगा। तो व्हाट यू कैन गो डू, सिंपली क्लिक हियर, समथिंग इज मिसिंग, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने हीट CSV मैप को ऑलरेडी यहाँ ओपन कर रखा था, दैट्स व्हाई सो सम इशू, जस्ट क्लोज दिस थिंग, फाइन, ट्राई टू रन इट अगेन, अगेन रन दिस वन, देन रन दिस वन, यू कैन सी लास्ट 10 ईयर डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गई है HDFC की। इससे अच्छा हम इसमें देखते हैं फॉर बेटर व्यू, और यहाँ पे देखा आपने इट्स वेरी कंजेस्टेड, तो ये कैसे चेंज करेंगे हम, यहाँ से आप इसे चेंज कर लो, इसे आप कर लो 20, आल्सो मेक दिस वन 20, रन इट, फाइन एंड नाउ गुड। तो यहाँ पे हमने देखा हमने कैसे हीट मैप जनरेट कर ली HDFC की पिछले 10 साल की डेटा को, सॉरी नॉट 10 इट्स 20 ईयर, फाइन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो डेटा हमें NSE से मिल रही है वो एडजस्टेड नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ एनोमली दिखेगी, आपको उसे इग्नोर करना होगा। जैसे कि अभी ये देखो 2010 में 79% फॉर दिस मंथ अगस्त, बेसिकली जब भी स्टॉक्स में स्प्लिट होते हैं वो डेटा NSE पे एडजस्टेड तो होता नहीं है, हम सेम डेटा पे अपने कैलकुलेशन को सॉरी हम सेम डेटा को NSE से पुल करके यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको एनोमली मिलेगी कुछ, जैसे यहाँ पे -70 -79 है, इसका मतलब इस दिन यहाँ पे कुछ स्प्लिट हुआ होगा। सिमिलर वे में अगर आप अभी आगे भी देखो, आई थिंक देयर इज ओनली वन स्प्लिट, फाइन। तो ये एक ड्रॉबैक है इस पॉइंट का, अगर आपके पास डेटा क्लियर है एडजस्टेड डेटा है तो आप एक अच्छे हिट मैप क्रिएट कर सकते हो, बट मेरा एक काम था बताना इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी स्टॉक में स्प्लिट होंगे, लाइक आप अगर आइसर मोटर ट्राई कर लो, लेट मी रन इट फॉर आइसर मोटर, क्योंकि आइसर मोटर में रिसेंटली स्प्लिट हुआ है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आइसर मोट। अगेन आई विल जस्ट रिड्यूस टू थिंग्स सो इट विल टेक लेस टाइम, दिस वन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके जस्ट क्लीन, ये आयसर मोटर में रिसेंटली स्प्लिट हुई है तो आप देखना वहाँ पे भी आपको ऐसे एनोमली मिलेगी जहाँ पे कि ड्रास्टिक चेंजेस होंगे परसेंटेज में, तो ये आपको इग्नोर करना होगा, बाकी सब सही है क्योंकि ये चेंजेस केवल एक ही मंथ में होगा, बाकी सब सही चलेंगे। अगर आप देखो आयसर मोटर हियर, व्हाट इज दिस वन, ओ फाइन, मैंने 2019 तक डेटा को प्रिंट किया है, मुझे 20 तक की करनी होगी तब मुझे मिलेगा,
लेट्स सी, यहाँ पे आप देखो -90, ये 2020 में अभी लास्ट टू मंथ पहले जब ये स्प्लिट हुआ है तो आप देखो ये -90 है, तो ये इशू आएंगे तो ये आपको इग्नोर करना होगा, बाकी सब तो फाइन है। तो हमने इस स्टॉक के मंथली हीट मैप को जनरेट कर दिया, नाउ मूव टू इंडेक्स। तो अब हम निफ्टी 50 के मंथली रिटर्न का हीट मैप जनरेट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2000 टाइप कर दिया, 2001 टू लेकर 2020 एंड जस्ट रन ऑल सेट बिलो एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। फाइन कूल, ये देखा आपने हमें निफ्टी की पिछले 20 साल के मंथली रिटर्न की डेट हीट मैप यहाँ पे जनरेट हो गई। अपने को यहाँ चेंज कर देते हैं, इसे हमें 20 सो थोड़ा बेटर विजुलाइजेशन हमें मिलेगी यहाँ पे। कूल, तो हमने यहाँ पे निफ्टी की भी हीट मैप को जनरेट कर लिया। और अब देखो तो नवंबर में निफ्टी की हिस्ट्री अच्छी रही है, इट्स लुक पॉजिटिव इन नवंबर एंड ऑल्सो राइट नाउ इट्स 4.8। तो नवंबर में तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक थोड़ा आइडिया मिलता है आपको जब आप हीट मैप देखते हो ना कि किस मंथ में किस स्टॉक की हिस्ट्री क्या रही है। सो इट विल, मुझे नहीं पता कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मेरा बस मैं ऐसे ही देख रहा था तो मैंने सोचा कि फिर वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब मैं इस पूरे कोड को कंबाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि हमारी कोडिंग की लाइंस क्या हैं। ओके, आपको ऐसे रैंडमली मैंने तो ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए एक एक लाइन को यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे एक्सप्लेन किया है। एक बार पूरे कोड को आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो आप इसे कुछ ऐसे देखोगे। यहाँ पे मैंने मेथड डिफाइन किया हुआ है, देन दिस इज ए कंप्लीट मेथड। ओके, और लास्ट में आपको यहाँ पे आपको सिंबल्स एंड इंटर सॉरी जस्ट सिंबल स्टार्ट डेट एंड डेट एंड लास्ट पैरामीटर, ये अगर आप सिंबल पास कर रहे हो तो ये फॉल्स होगा और आप इंडेक्स पास कर रहे हो तो ये ट्रू होगा। ओके, सो कीप इन माइंड, बेटर इंफॉर्मेशन के लिए आप NSE PI की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी एशियन पेंट पास किया, ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे अभी निफ्टी 50 कर दूँ तो मुझे अभी से यहाँ पे ट्रू करना होगा। जब अगर कोड को राइट कर देते हो आप तो आपको यही इसी लाइन में चेंज करना, ऑनली यू टू चेंज दिस लाइन, बाकी कंप्लीट कोड तो यही रहेगा सेम। ये इसी कोड के साथ, सॉरी वन मोर थिंग, मैंने इस लाइन में कमेंट किया था, अगर आपको इस एक्सेल फाइल को अपने सिस्टम पर राइट करना है तो आप इस लाइन को अनकमेंट कर सकते हो। वैसे मैं अनकमेंट कर ही दे रहा हूँ। फाइन, अब ये डेटा किसके लिए है, ये एशियन पेंट के लिए। अब मैं इसे निफ्टी के लिए रन कर रहा हूँ और यहाँ मैंने इसे इंडेक्स को ट्रू कर दिया। टेस्ट रन इट, फाइन डन, ये आ गई निफ्टी 50 की मंथली हीट मैप। फाइन, सो नाउ यू कैन पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन द कोड हियर। और अगर कोई भी इशू आता है जस्ट आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आपको कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो आप अपनी मेल आई डी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको कोड भी सेंड कर दूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई करो आप खुद से, ये बहुत ही कूल स्टफ है। सो एक बार आप ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम पूछो, मैं रिजॉल्व करूंगा। फिर भी नहीं होता है तो आई विल डेफिनेटली सेंड यू दिस होल कोड। ओके, फाइन, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओवर एंड आउट।